डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक है प्रॉब्लम 4.2, माने कि यूनिट 4 का प्रॉब्लम नंबर 4.2 बनाएंगे हम लोग क्लास 11th। ठीक है, यूनिट 4 आप लोगों का है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें से लेविस डॉट स्ट्रक्चर का आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 4.2 बनाएंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो दिया है बच्चों, उस वीडियो को जरूर से देखें। मतलब वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई अश्योर यू कि आप उसे देख के देखें एक बारी तो आपके समझ में आएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन क्या कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं रह जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे आप करते हैं, सब काउंटिंग, ये सारा कुछ मैंने बताया। इसलिए इतना मैंने बोला कि उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे आज के वीडियो में आगे। तो देखिए 4.2 क्वेश्चन है, राइट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन NO2-। ठीक है, इसे नाइट्राइट आयन कहते हैं, इसका बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो मान लीजिए जब आप उसे देखेंगे वीडियो को तब अलग बात है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि NO2 का बनाना है जिसपे निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप समझ जाएं कि सेंट्रल एटम आपका कौन होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो NO हो गया आपका सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन हो गया आपका साइड एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना, देखिए नाइट्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो 2 और 5 2 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसलिए 2 6। तो क्लियर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5, इसका 6। तो 5 प्लस 6 × 2, इसलिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए 6 × 2, और चूंकि 1 निगेटिव चार्ज है इसलिए +1। निगेटिव चार्ज है यानी कि आ रहा है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब कि जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो 5 प्लस 12 प्लस 1, तो टोटल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है। बस इतना से ही आपका काम हो जाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का ट्रिक है। आप देखिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन को आपने बीच में लिखा, ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया। अब क्या करना है, पहले आपको सेंट्रल एटम से लेते हुए साइड एटम के साथ सिंगल बॉन्ड जोड़ देना है। सिंगल बॉन्ड आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन से साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, साइड वाले एटम का ऑक्टेट पहले कंप्लीट कीजिए। तो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 8। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट। अब आप वॉच कीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 था आपके पास, तो सारा पार्टिसिपेट कर लिया क्या, तो देखिएगा, तो इधर से 6, इधर से 6, 6 6 12 13 14 15 16, अभी भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रेस्ट है। सो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस था जिसमें से आपने 16 को यूटिलाइज किया है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद में बच जाता है उसे किस पे डालना होता है, सेंट्रल एटम पे डालना होता है। तो सेंट्रल एटम पे डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आप चेक करें कि आपके सेंटर में जो एटम है क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो देखिए नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट तो करेगा ना। तब ऐसे केस में जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है सेंट्रल एटम का, तो साइड एटम के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो सपोज कीजिए कि ये ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है इस ऑक्सीजन को एज इट इज लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो निगेटिव चार्ज है तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल चार्ज शो किया जाता है, तो यहां आप निगेटिव चार्ज ऐसे शो करेंगे।
बात आई समझ में आपके? तो अब आप देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका तो कंप्लीट है ही ऑलरेडी। तो यही बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए, तो ये भी आप बना सकते हैं, या फिर कुछ अगर आप इस ऑक्सीजन से दिखाएंगे, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो आप ऐसा भी इसको शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन इधर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, मतलब किसी भी ऑक्सीजन से आप लेंगे तो बाद में कोई फर्क पड़ना नहीं है, सेम होगा। इसे ही कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो आज आगे क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। रेजोनेंस जब पढ़ाया जाएगा उस टाइम आप देखेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखा जाता है, जिसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये एक तरह से ये दोनों नाइट्राइट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। बात आई समझ में? तो चार्ज यहाँ पे ओवरऑल दिखाना होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे बनाना है, हर स्टेप को मैंने बताया है आपको। ठीक है, पूरे आप ध्यान से वीडियोस को देखें, और अपना जो भी क्वेश्चन है आपके पास, जहां भी बुक्स में क्वेश्चन है, उसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, खुद से आपने जब वीडियो देख लिया, उसके बाद वीडियो खत्म हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने बुक से उतारिए, बुक्स तो बहुत सारा होगा आपके पास, जहां भी मिले फटाक से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगा। बस यही सिद्धांत है बच्चे, कोई भी मास्टर नहीं होते हैं किसी चीज के, प्रैक्टिस से ही वो चीज आ जाता है अपने आप में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया है। तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन समय से मिले आपको और आप वीडियो देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।